वेलकम टू पाकिस्तान एरिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल पर आते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है 50 लाख करोड़ ऑफ गोल्ड स्टोर्ड इन इंडियन टेम्पल्स। मतलब खुलासा हुआ है कि 50 लाख करोड़ के खाली जो सोना है वो इंडियन के टेम्पल्स में पड़ा है, सिर्फ टेम्पल्स में। ये 50 लाख करोड़ मेरे ख्याल में 500 बिलियन बनता है या ज्यादा, 600 बिलियन मेरे ख्याल से, 600 बिलियन डॉलर्स। मतलब जो कि पूरी पूरी इकोनॉमी कंट्रीज की इतनी नहीं है, मतलब जीडीपी नहीं है उतने का सोना सिर्फ, मतलब बड़े से बड़ी कंट्रीज का, मतलब टर्की का भी 600 कुछ है, सऊदीया का भी इतना ही है। तो मतलब इतना सिर्फ मंदिरों में सोना पड़ा है इंडिया का। तो ये मतलब टाइटल से ऐसा लग रहा है, तो जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद सही से आइडिया होगा बिल्कुल तो क्या सीन है। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत ज्यादा सोना है भाई, बहुत ज्यादा। आज बात भगवान के घर 50 लाख करोड़ के खजाने की। जी हां, देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ जोड़ भी दी जाए तो भी कम पड़े। दुनिया भर के अमीर संपत्ति की दुनिया के 120 मुल्कों की पूरी दौलत पर भारी पड़े। यकीन मंदिरों में मौजूद सोने का इतना भंडार है कि पूरी दुनिया को चौंका दे। 120 मुल्क पूरी दुनिया के, उनकी भी संपत्ति यहाँ ज्यादा है। हिंदुस्तान के मंदिरों में इतना सोना कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। ओ भाई, मंदिरों में इतना सोना कि 500 साल तक आप गाड़ियों में फ्री पेट्रोल भरवा सकें। 500 पूरे कंट्री वाले। मंदिरों में इतना सोना जिससे 100 साल तक देश का हर इंसान मुफ्त में ट्रेन की सवारी कर सके। कैसे यार? मंदिरों में इतना सोना जिससे 730 दिनों तक पूरा देश मुफ्त में खाना खा सके। 730 दिन, 3 साल तकरीबन 2.5 साल तक। मंदिरों में इतना सोना जिससे देश के हर परिवार में 2 लाख रुपए बांटे जा सके। ओ भाई, हर परिवार में, पूरे देश के। मंदिरों में इतना सोना जिसके आगे दुनिया के सबसे अमीर बिल गेट्स की दौलत कम पड़ जाए। भाई ये कितना भाई वैसे अबे वो कर रहे हैं। मंदिरों में इतना सोना जिससे रिलायंस जैसी 25 कंपनियां खरीदी जा सके। रिलायंस जैसी 25 कंपनियां। मंदिरों में इतना सोना जिसके आगे दुनिया के 90 मुल्कों की कुल संपत्ति कम पड़ जाए। यार ये सस्पेंस डाल दिया सर, जिससे देश में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा हो जाए। मतलब हर जगह पे बुलेट ट्रेन चलेगी। मंदिरों में इतना सोना जिससे एक किस्त में देश का विदेश कर्ज 70% चुकाया जा सके। जो कर्ज है टोटल इतना सोना। देश के मंदिरों में 50 लाख करोड़ का सोना। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर के खजाने की जांच करने के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि देश के मंदिरों के पास करीब 22,000 टन सोना है, यानी 22,000 टन जिसकी कीमत 22,000 टन है। इतना अमेरिका के पास भी नहीं है यार। क्या क्या हो सकता है, कैसे मंदिर के खजाने से देश तो अमेरिका के पास टोटल सोना नहीं है बदल सकती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ओ भाई, कैसे पॉसिबल है 22,000 टन यार। उस टाइम पे इतना सोना चुका के गए थे लोग यार। जी हाँ, देश के मंदिरों में 10-20 नहीं 50 लाख करोड़ का सोना है। ये इतना सोना है जिसके आगे दुनिया के 100 सबसे अमीर दौलतमंदों की कुल संपत्ति भी कम पड़ जाए। ये इतना सोना है कि जिससे देश की तमाम बड़ी कंपनियों को एक किस्त में खरीदा जा सकता है। एक किस्त में दूसरे मुल्क के धार्मिक स्थल के पास इतना अकूत खजाना। यकीन मानिए, देश के दौलतमंद मंदिरों के पास इतना ही सोना है। ये भक्तों की अटूट आस्था का कमाल नहीं तो क्या कहें। मतलब ये बड़े जो मैं बड़े दान करते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, दान करते हैं।
दिन दूना, जब कोई मन्नत वगैरह पूरी होती है तो वो दान करते हैं सारा, और वैसे भी देते हैं। दरिया दिली दिखाई कि मंदिरों के पास आज की तारीख में 50 लाख करोड़ रुपए की कीमत का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। ओ भाई, ये इतना सोना है कि चुटकी बजाते देश की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। ये सोना निकाला जाए इंडिया फर्स्ट नंबर पे बन जाएगा गोल्ड रिजर्व में। देश के मंदिरों के पास कुल 22,000 टन सोना है। मंदिरों के गोल्ड रिजर्व की कीमत 50 लाख करोड़ रुपए। ये गोल्ड रिजर्व अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, जबकि भारत के गोल्ड रिजर्व 40 गुना ज्यादा है। और भारत का जो गोल्ड रिजर्व है 40 गुना के अनुसार मंदिरों में हो सकता है कि 20 लाख क्विंटल से ज्यादा सिर्फ सोना हो। जवाहरात कितना होगा, हीरे कितने होंगे, कैश कितना होगा, क्योंकि इन मंदिरों में से बहुत सारे सरकार के डायरेक्टली नियंत्रण में हैं, बहुत सारे प्राइवेट नियंत्रण में, और बहुत सारे मिसलेनियस जगहों पर। एक अनुमान के मुताबिक देश के मंदिरों के पास करीब आज की तारीख में 50 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश के सोना बताया, पूरे देश के मंदिरों में जवाहरात और नकदी का सही अनुमान अभी तक नहीं लगा। सिर्फ सोने की बात, सिर्फ सोने की, नकदी की और हीरे की भी बात नहीं हुई, बात नहीं और जवाहरात की भी नहीं। क्या क्या हो सकता है? ये ओनली सोना, सोना सिर्फ आम जनता पर खर्च किया जाए तो आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा? पूरा देश 500 साल तक फ्री में पेट्रोल भरवा सकता है, 500 साल तक पूरा कंट्री में मुफ्त सफर कर सकता है, 100 साल तक, 2 साल तक पूरा देश फ्री में खाना खा सकता है, 150 साल तक मनरेगा जैसी सरकारी स्कीम चल सकती है, 15 साल तक देश के रक्षा बजट के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 साल तक बजट के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुपए मिल सकते हैं, देश में बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ सकती है, देश का 70% विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। जाहिर है देश के मंदिरों में इतना सोना है कि आम लोगों की जिंदगी संवारी जा सकती है। ये तो सिर्फ आपको सोना बता दे कि भक्तों ने ही अपने मंदिरों को सोने की चिड़िया बनाया है। मतलब भक्तों ने ये सारा सोना दान कर कर समृद्धि की बड़ी पुरानी सनातन परंपरा है, क्योंकि भारत धर्म से शासित रहा है, जहाँ पे राजा का कर्तव्य रहता था कि वो मंदिरों की सोने की चिड़िया बोलते थे ना, मतलब उधर बहुत सोना था यार। कितना तो अंग्रेज लेकर गए हैं, उनका लगाया जाए तो इसीलिए भारत वो हमें सुना था ना कि 100 से ज्यादा कश्तियां तो सिर्फ सोने के भर 900 कश्तियां। सॉरी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1000 किलो वजन के सोने के सिक्के, 1000 किलो 500 करोड़ रुपए की कीमत की भगवान विष्णु की अनंत शयन मूर्ति, 500 करोड़ की कीमत, शिरडी में सैकड़ों करोड़ के जेवरात। ये तो भक्तों के चढ़ावे का एक नमूना है भाई, सिर्फ नमूना से चली आ रही है, लेकिन हकीकत में मंदिरों में सोने का खजाना कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। अब सवाल उठता है कि इन मंदिरों के पास इतना सोना आखिर आया कहां कहां से, और इस सोने का होता क्या है? देश में कुछ ऐसे सबसे अमीर मंदिर हैं जिनके खजाने में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको दिखाते हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर का खजाना। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, ये भगवान गणपति को समर्पित है। सिद्धि विनायक का दरबार खजाने के मामले में ज्यादा पीछे नहीं, ऐसे लोगों ने दिए हैं। खजाने के बारे में बता दिए, सिद्धि विनायक मंदिर की कुल संपत्ति 306 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए एफडी, 40 करोड़ रुपए सोना चांदी, 40 करोड़ रुपए अन्य संपत्ति। सिद्धि विनायक मंदिर में भक्त अपने गणपति को मालामाल कर रहे हैं। हर साल भक्त मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। देखिए मंदिर की सालाना कमाई क्या है। देखो, सालाना कमाई करीब 70 करोड़ रुपए, करीब 25 करोड़ रुपए दान पेटी, 15 करोड़ रुपए चंदा, 8 करोड़ रुपए अन्य आय, 20 करोड़ रुपए ब्याज, 2 करोड़ रुपए सोना चांदी। अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के खजाने का हाल दिखाते हैं। ये विश्वनाथ कुल संपत्ति करीब 71 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए जमीन, करीब 50 करोड़ रुपए बैंक एफडी, करीब 11 करोड़ रुपए अन्य संपत्ति, करीब 1 करोड़ रुपए सोना चांदी। देवों के देव महादेव के इस मंदिर में हर वक्त शिव भक्तों का मेला लगा रहता है। अब आपको दिखाते हैं विश्वनाथ मंदिर में भक्त सालाना कितना दान देते हैं। सालाना कमाई करीब 11 करोड़ रुपए, करीब 6 करोड़ रुपए दान पेटी, 4 करोड़ रुपए ब्याज,
जाहिर है भक्तों ने भगवान को मालामाल कर रखा है। ऐसे में सवाल मंदिर में चढ़ावे का नहीं है बल्कि भक्तों की आस्था और श्रद्धा का है। ये सोने की ईंटें जा रही हैं। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई यार ये मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। इतना ये सोना था कि 500 साल तक पेट्रोल जो है ना गाड़ियों में, बाइक में पेट्रोल पूरे 1.4 बिलियन लोग जो है ना 1.4 बिलियन लोग वो डलवा सकते हैं। 100 साल तक आप ट्रेन में मुफ्त सफर कर सकते हो, मतलब 100 साल तक आप 70% अपना जो कर्ज है उतार सकते हो। 15 साल तक आपको अपना जो बजट है वो जो कि एक साल का 70 बिलियन डॉलर 60 बिलियन डॉलर इसी के बीच होता है, हाँ, वो 15 साल तक आप दे सकते हो। और क्या बोले भाई, और सिर्फ ये सोने की कीमत बताई गई है जो इसमें हीरे जवाहरात जो पैसा है उसको छोड़ के, हाँ उसको छोड़ के, ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। और इनमें कई मंदिर ऐसे हैं, मतलब जिस तरह उन्होंने बताया गया है कि उनके अभी तक दरवाजे नहीं खोले गए, मतलब वो खोल ही नहीं सकते, वो मतलब अशुभ मानते हैं। जिस अगर तरह वो नहीं खोल गया तो फिर 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर का मतलब सोना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अभी तो वो डाले ही नहीं गए जो अंग्रेज लूट के गए, अंग्रेजों ने अपना कंट्री बना लिया। कश्तियां जो हमने एक वीडियो देखी थी कि एक उनका नॉर्मल सा सैनिक जो था, मतलब 900 कश्तियां सोने की, वो 900 कश्तियां खाली भर के लेकर गया था, नॉर्मल सा बंदा। उधर तो सोचो, मतलब बड़े बड़े बैरी जहाज जो होते हैं, बिल्कुल वो 900 लेकर गया था, तो सोचो नॉर्मल कितने लेकर, कितना सोना, बड़े बड़े जो ऑफिसर बहुत यार। और यार ये असल में पता है क्या, शुरू से ये नहीं है कि सोना, दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट कुछ किसी को करने भी नहीं देती, ना गवर्नमेंट लेती है, ना लेती है वो पड़ा हुआ है। ये लोग अपना मतलब एक खुशी से लोग, और ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का उससे ढाई गुना ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने के अमेरिका के पास है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब अब ये चीज देख कर ही बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली कि इस तरह का भी कुछ है। सच में मतलब बंदा हैरान हो जाता है यार, मतलब हैरान क्या यार, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, मतलब लोग अपने जो भक्त हैं, मतलब वो अपना एक खुशी से देते हैं, आस्था हर कोई आस्था होती है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना इसको अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन शॉकिंग इसलिए कि यार बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है, मतलब इतना है कि। और अच्छी बात ये है कि इसी से जो जो इनको पैसा मिलता है वो लंगर चलता है मंदिर में, जो काम वगैरह चल रहा होता है वो करते हैं, गरीब खाना खाता है, उसके बाद जो लोग जाते हैं वो खाते हैं, मतलब इससे लोगों का फायदा भी होता है। जो गरीब लोग होते हैं काफी सारे मंदिर में, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं पैसे देकर। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के कुछ अंडर जो होता है, मतलब और कहीं नहीं जाता, मतलब मंदिर भी रहता है, गवर्नमेंट भी नहीं लेती, मंदिर भी लगता है, गरीब लोगों पे लगता है। बहुत अच्छी बात यह है कि गरीब लोगों पे लगता है। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।